मुसलमान ममालिक का मुस्तकबिल 2035 तक। तहरीर वजाहत नज़ीर चौधरी। 17 अप्रैल 2019 को बीबीसी की एक रिपोर्ट देखने के बाद मैंने फैसला किया एक ही ठोस और मुकम्मल कॉलम लिखकर दुनिया को आने वाले 2035 तक के हालात के बारे में आगाह कर दिया जाए, ताकि मुसलमान ममालिक में होती हुई तब्दीलियों के बारे में आप फिक्रमंद ना हों। जिस खबर ने मुझे ये कॉलम लिखने पर मजबूर किया वो थी उमर अल बशीर, सूडानी सियासतदान ने, जिसने 1979 से लेकर 2019 तक बतौर सदर सूडान का इंतजाम संभाले रखा। इस खबर को पढ़ने के फौरन बाद मैंने गूगल पर डेमोक्रेसी इंडेक्स को तलाश किया और कहीं ना कहीं मैं ये जानता था कि इनका डेमोक्रेसी इंडेक्स 4 से कम होगा, और वही हुआ। सूडान का मजमुई जमहूरी स्कोर 2.15 है, और यही वजह बनती है सूडान में एक मिलिट्री बगावत की। आने वाले 15 सालों तक, यानी कमोबेश 2035 तक, वो तमाम इस्लामी ममालिक जिनका मजमुई जमहूरी इंडेक्स का स्कोर 4 से कम है, वहां पर इस तरह की खबरें आपको सुनने को मिलती रहेंगी। कभी फौजी बगावत, कभी सिविल नाफरमानी, और कभी कुछ ऐसे मसाइल जिनका हमेशा ताल्लुक वहां पर जबरन जमहूरियत मुसल्लत करने से होगा। इन तमाम मसाइल का ताल्लुक हमेशा वहां पर मौजूद अथॉरिटेरियन तर्ज हुकूमत से होगा। आज की तारीख में अमरीका और मगरबी ममालिक में तर्ज हुकूमत को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हिस्से का नाम फुल डेमोक्रेसी रखा गया है, दूसरे हिस्से का नाम फ्लॉड डेमोक्रेसी रखा गया है, तीसरे हिस्से का नाम हाइब्रिड रिजीम रखा गया है, और चौथे हिस्से का नाम अथॉरिटेरियन रिजीम रखा गया है। अब अगर एक नजर इस बात पर डाल ली जाए कि अथॉरिटेरियन रिजीम से क्या मुराद है, तो आपको यह बात समझने में आसानी हो जाएगी कि इस बात का जमहूरियत से क्या ताल्लुक है और किस तरह से आने वाले 15 साल तक इस्लामी ममालिक जमहूरियत के खोल को पहनने के लिए मुख्तलिफ मसाइल से दरपेश रहेंगे। इस कॉलम में लिखे गए तमाम आददोशुमार 2018 के जमहूरी इंडेक्स के मुताबिक लिए गए हैं। अथॉरिटेरियन तर्ज हुकूमत से मुराद यह है कि जहां पर सियासी ताकत का सरचश्मा चंद लोगों के हाथों महदूद हो, या दूसरे अल्फाज में यह कहा जाए कि जहां पर हुकूमत लोगों के आगे जवाब देना हो। कमोबेश 53 ममालिक ऐसे हैं जिनका मजमुई जमहूरियत का स्कोर 4 से कम है। इन ममालिक की एक तवील फहरिस्त है, और अगर एक बार आप इन तमाम नामों को पढ़ लेंगे तो आपके आने वाले दिन सुकून से गुजर जाएंगे, और आप कभी भी इस्लामी ममालिक का नाम आने की सूरत में मेरी तरह तजबजब का शिकार नहीं होंगे। यहां एक लिस्ट मौजूद है, अगर एक नजर आप इस लिस्ट पर डाल लें, जिसमें पाकिस्तान 112वें नंबर पर है और इराक 114वें नंबर पर है। पाकिस्तान का मजमुई जमहूरी स्कोर यहां पर आप देख सकते हैं 4.17, इराक का 4.6 है। दोनों में जो फर्क मौजूद है पाकिस्तान और इराक में वो 0.11 का है, और हम नीचे इसको मजीद बेहतर तौर पर आपको समझाएंगे। ये जरा सा एक नजर आप डाल लें इस पूरी लिस्ट पर। इस लिस्ट को आपने जहन नशीन करना है। आखिर में 167 नंबर नॉर्थ कोरिया का है 1.8 के साथ, और इसके एन ऊपर सीरिया मौजूद है 1.43 के साथ। क्योंकि यहां पर यह बताना भी जरूरी समझता हूं कि इन ममालिक की फहरिस्त में जिनका मजमुई जमहूरी स्कोर 4 से कम है, उसमें कुछ गैर इस्लामी ममालिक भी शामिल है, मगर वहां पर जमहूरियत जबरन मुसल्लत करना नामुमकिनात में से है, जिसकी एक अहम वजह वो ममालिक इस्लामी ममालिक के अदबार से तालीम में, टेक्नोलॉजी में और एटमी हथियार की दौड़ में इस्लामी ममालिक से बहुत आगे हैं। इन ममालिक में जिनमें जमहूरियत के इंडेक्स का स्कोर 4 से कम है, इनमें चीन, रूस और शुमाली कोरिया भी शामिल है, मगर ये तीनों ममालिक एटमी हथियारों से लैस है, और इनसे उलझना और जबरन जमहूरियत मुसल्लत करना नामुमकिनात में से है। इसीलिए पहले दीगर ममालिक को जमहूरियत का चोगा पहनाया जाएगा, उसके बाद एक ऐसा ब्लॉक तश्कील कर लिया जाएगा जहां पर सिर्फ तिजारत की बुनियाद पर जमहूरियत को करार दिया जाएगा। जिन ममालिक में जमहूरियत मौजूद ना होगी उन ममालिक के साथ कारोबार पर आलमी पाबंदियों का इदराक किया जाएगा, और यूं इस्लामी ममालिक के बाद इन ममालिक को मजबूरियन जमहूरियत का सफर तय करना पड़ेगा, और उस वक्त इन ताकतों के पास दो ही रास्ते होंगे, या तो वो आलमी जंग की तैयारी करें या फिर वो भी जमहूरियत के खोल को पहने। अब यहां पर यह जरूरी था कि हम जमहूरियत के इंडेक्स 2018 के आददोशुमार को आपके सामने पेश करें। इसमें हमने पाकिस्तान और इराक के अलावा तमाम ममालिक का इंतखाब किया जो ऊपर आपको दिखाया गया, जहां पर जमहूरियत का स्कोर 4 से कम है और इनको अथॉरिटेरियन रिजीम करार देकर सुर्ख रंग से जाहिर किया गया। इराक में जिस तरह से जमहूरियत लाई गई, इस बात से हम सब आगाह हैं। पाकिस्तान
कि जमहूरियत के स्कोर को 0.11 के फ़र्क से इराक के ज़रा ऊपर देखा जा सकता है। बगैर किसी खूनी इनकलाब के पाकिस्तान को 0.11 के फ़र्क से इराक के ज़रा ऊपर रखने का क्रेडिट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को जाता है। इस बात का अंदाज़ा आपको आने वाले 10 से 15 सालों में बखूबी हो जाएगा, जब इस्लामी ममालिक में खून के दरिया बहाकर जमहूरियत को मुसलत किया जाएगा, जैसा कि इराक में, सीरिया में, सूडान में, अफगानिस्तान में और दीगर ममालिक में अमल शुरू किया जा चुका है। इसीलिए आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए एक ही बार अगर हम आने वाले वक्तों में इस्लामी ममालिक को दरपेश मसाइल के बारे में बता दें तो आपके कानों पर जूं नहीं रेंगनी चाहिए। आज भी टेलीविजन पर एक पाकिस्तानी सियासतदान का इंटरव्यू देखने का मौका मिला जिसमें वो PTI की हुकूमत के बारे में फरमा रहे थे कि हुकूमत आई नहीं, लाई गई है। इनका इशारा कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी खुफिया एजेंसियों की तरफ था। जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र कर दिया कि तमाम ममालिक पे जमहूरियत को अमरीका और मगरबी ममालिक की तरफ से मुसलत किया जा रहा है, वो खुद नहीं आ रही है बल्कि लाई जा रही है। इराक, मिस्र, अफगानिस्तान, सीरिया, सूडान और उसके बाद एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जहाँ पर जमहूरियत को लाया जाएगा, वो आएगी नहीं। तो इस बात का ढंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि PTI की हुकूमत आई नहीं बल्कि लाई गई है। अगर हुकूमत को ना लाया जाता तो एक तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को इसी तरह की नामनिहाद जमहूरी सियासी तंजीम के हाथों यरगमाल बने रहने दिया जाता, दूसरी तरफ बाकी मुल्क के लोगों का भी कोई पुरसाने हाल ना होता। मुझे मुशर्रफ साहब का दौर याद आता है जिसकी बुनियादी वजह उनकी वो इस्लाहात थी जिसके तहत कोई भी नॉन ग्रेजुएट असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता था। जब तक इस असूल को अपनाया जाएगा पाकिस्तान जमहूरियत की मौजूदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस बात को मजीद समझने के लिए आपके सामने जमहूरियत के इंडेक्स 2018 के मुताबिक इन ममालिक के आदादोशुमार पेश किए जाएंगे जिन ममालिक को फुल डेमोक्रेसी का टाइटल दिया गया। साथ ही वहां पर मौजूद लिटरेसी रेट के बारे में बताया जाएगा। अगर आपने एक बार इस लिटरेसी रेट का मवाजना वहां के जमहूरियत के इंडेक्स से कर लिया तो आप भी मेरी बात के कायल हो जाएंगे कि अमरीका और वेस्टर्न ममालिक ने पहले तालीम पर तवज्जो दी, तरह तरह की इजादात की और ये तमाम काम हो जाने के बाद जमहूरियत के पौधे को दूसरे मुल्कों में बरामद करने का सोचा। यहां पर उन 20 ममालिक की लिस्ट मौजूद है जिनमें सर फहरिस्त नॉर्वे है जिसका स्कोर 9.87 है और यहां पर लिटरेसी रेट 99% है, यानी शरह तालीम 99% है और 1 से लेकर 20 तक आप इन तमाम ममालिक को एक बार मुलाहिजा कर लें फिर हम आगे चलते हैं। अपनी इस बात को मजीद समझाने के लिए मैंने यहां पर एक मुकम्मल 20 मुल्कों पर मुश्तमिल जमहूरियत के इंडेक्स का टेबल आवेदा किया है जिसमें 20 ममालिक ऐसे हैं जो कि मुकम्मल डेमोक्रेसी हासिल कर चुके हैं। इन ममालिक में इन ममालिक में नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, कनाडा, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, यूरोगोए, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, स्पेन और कोस्टारिका वगैरह शामिल है। इन तमाम 20 में से 20 ममालिक में जो लिटरेसी रेट है वो 90% से ज्यादा है। इन तमाम ममालिक की फहरिस्त का एक बार बगौर मुताला करें और एक एक के लिटरेसी रेट को गूगल पर लिखकर सर्च करें, आप हैरान हो जाएंगे कि इनमें से किसी भी मुल्क का शरह तालीम 90% से कम नहीं है। दूसरी जानिब वो तमाम इस्लामी ममालिक जिनमें जमहूरियत ना होने के बराबर है वहां पर कई ममालिक में लिटरेसी रेट 50% से भी कम है। अगर अमेरिका या दीगर मगरबी ममालिक चाहते हैं तो जमहूरियत के इस्तेहकाम से पहले शरह तालीम को बेहतर किया जा सकता है मगर एक सोचे समझे फार्मूले के तहत, सिर्फ जमहूरियत को एक जादू के तौर पर पेश किया जा रहा है। जब तक पाकिस्तान के MNA और MPA की फहरिस्त में हकीकतन उन अफराद का इजाफा ना होगा जो सही मानों में ग्रेजुएट हों, पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकल सकता और ऐसा होना आने वाले 20 से 25 सालों में भी मुमकिन दिखाई नहीं देता। पाकिस्तानी सियासतदानों के मुताबिक तो डिग्री होती है, असली या जाली नहीं। ऐसे सियासतदानों की मौजूदगी में पाकिस्तान को जाहिल जमहूरी लीडरों के हाथों छोड़ देना किसी तरह मुनासिब नहीं। इस बात का मतलब ये निकलता है कि जैसे मगरबी ममालिक में पहले शरह तालीम को 90 से ऊपर ले जाने के बाद वहां पर जमहूरियत का इनकार किया, इसी तरह से पाकिस्तान को भी अपनी बका और सलामती के लिए जमहूरियत से ज्यादा तवज्जो तालीम को देने की जरूरत है और इसी तरह
और सिर्फ इसी तरह से एक मुस्तहकम पाकिस्तान वजूद में आ सकता है। आज 20 मई 2019 को पीटीआई के रहनुमा असद उमर के इस्तीफे के बाद एक नज़र मैंने पीटीआई की क्यादत पर डाली तो मालूम हुआ कि ऐसे कई वज़रा जिनकी ज़रूरत आज की तारीख में शायद किसी पानी भरने वाले प्लांट या रोटी के तंदूर पर भी महसूस ना की जाए, इनको वजारत में हिस्सा दिया गया है। तालीम देने के बगैर जमहूरियत का इस्तेहकाम मुमकिन ही नहीं। एक जाहिल लीडर या दूसरे अल्फाज में एक नॉन ग्रेजुएट एमएनए या एमपीए पाकिस्तान को किसी भी तरह का फायदा नहीं पहुंचा सकता। जमहूरियत का फलसफा खुद भी कई मराहिल से गुजर रहा है और आज तक मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि उसकी मुख्तलिफ इकसाम मुख्तलिफ ममालिक में पाई जाती हैं। पाकिस्तानी सियासतदानों ने जमहूरियत की जिस किस्म से हम पाकिस्तानियों को रोशनास करवाया, लूटो और दूसरों को मौका दो, इसमें करप्शन और जमहूरियत का एक अहम तालमेल देखा गया। जैसे जैसे इन सियासतदानों को इनके हाल पर छोड़ा गया, उन्हें तमाम तरह के फैसले करने में आज़ादी दी गई, वैसे वैसे इन सियासतदानों ने पाकिस्तानी मफादात को बालाए ताक रखते हुए करप्शन के जरिए अपनी जायदादें बैरून मुल्क बनाने में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए। अगर पीटीआई की हुकूमत बरसरे इक्तदार ना आती या दूसरे अल्फाज में मान भी लिया जाए ना लाई जाती तो 2030 का पाकिस्तान इराक और सीरिया जैसा मंजर पेश कर रहा होता। यहां पर इस बात को अगर इस बात को मजीद वादे कर दूं तो आपके लिए समझना मजीद सहल आसान हो जाएगा। सिर्फ इस्लामी मालिक में तब्दीली बजोर ताकत क्यों लाई जाएगी, जहां एक तरफ इस्लामी मालिक जो टेक्नोलॉजी और तालीम के अदबार से इंतहाई पीछे हैं और यही वो बुनियादी वजह है जिसकी बिना पर इस्लामी मालिक में जमहूरियत के खोल को जबरन पहनाना इंतहाई आसान है, वहां पर सिविल या फौजी बगावत करवाना इंतहाई आसान है। इस कॉलम को पढ़ने के साथ अगर आप पाकिस्तानी फौज का खसूसन आईएसआई की जहानत का शुक्र अदा करें जिसने बर वक्त पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर नाकाबले तस्खीर कर दिया, बसूरत दीगर हमारा हाल भी वैसा ही होता जैसा कि आने वाले 15 सालों में इन तमाम इस्लामी ममालिक का होगा, जिसके पास ना ही पाकिस्तान और शुमाली कोरिया की तरह एटमी हथियार है, ना ही जमहूरियत को अपने ऊपर मुसल्लत करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता। इराक के जमहूरी इंडेक्स की रिपोर्ट देखने के बाद मैं थोड़ा सा रुक गया और जहां मेरे सामने सद्दाम हुसैन की फांसी की वीडियो घूम गई है। इराक मिडिल ईस्ट का वो पहला मुल्क है जिसने ना सिर्फ अपने लीडर की कुर्बानी देकर बल्कि इसके साथ कितने ही बच्चे, कितनी खवातीन और कितने मर्दों ने अपनी जान का नजराना देकर जमहूरियत का वो खोल हासिल किया जो कहीं से भी उनकी सकाफत या मजहब का हिस्सा ना था। इराक के हालात जहन नशीन करने के बाद आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान जमहूरियत के इंडेक्स में इराक से नीचे होता तो आज हमारा क्या हाल होता। काश आप भी इन बातों की गहराई को समझ सकें और सिर्फ उसी सूरत में आप इस बात का एहसास हो सकता है जब ये बात कही जाती है कि आईएसआई पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर है और कहीं ना कहीं हर वक्त किसी ना किसी महाज पर कोई ना कोई गुमनाम मुजाहिद अपनी जान का नजराना देकर पाकिस्तान को इस्तेहकाम फराहम कर रहा होता है। मैंने यह आर्टिकल अनजाने में लिखा मगर इसको लिखने के बाद मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि ख्वाह पाकिस्तानी सियासतदान करप्शन की दलदल और कीचड़ को अपने ऊपर मलने में कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, कोई है जो पाकिस्तान का खैर ख्वाह है। मैंने ये आर्टिकल अनजाने में लिखा मगर इसको लिखने के बाद मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि ख्वाह पाकिस्तानी सियासतदान करप्शन की दलदल और कीचड़ को अपने ऊपर मलने में कितने ही मसरूफ क्यों ना हो जाए, कोई है जो पाकिस्तान का खैर ख्वाह है। इस बात में कोई शक नहीं है कि बेशक अल्लाह के नेक बंदे इस मुल्क पाकिस्तान में बसते हैं मगर जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया मैं इन कौमों की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद बदलने पर तवज्जो नहीं देते, तो यहां यह कहना गलत ना होगा। ख्वाह पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान को दिन रात कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचा दे, कहीं ना कहीं हमारी खुफिया एजेंसियों के पास थिंक टैंक्स मौजूद हैं जो मौके की मुनासबत से हालात बिगड़ने से पहले इकदाम उठाते हैं। शायद अब आप इस बात को बखूबी समझ गए होंगे कि वो तमाम इस्लामी मालिक जिनके पास ना ही एटमी ताकत है ना ही ऐसी खुफिया एजेंसी जिनका मजमूई जमहूरियत के इंडेक्स का स्कोर 4 से कम है, वो आने वाले 15 सालों तक इंतहाई नामुनासिब हालात का शिकार रहेंगे और जमहूरियत के खोल को एक तोप बनाकर उनके गले में डाल दिया जाएगा। आखिरी सत्रों में मैं आपसे इजाजत चाहूंगा ये बताता चलूं कि जिस दिन आपने सोच लिया कि किसी लीडर के आने और लटके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान उस दिन तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा, मईशत और सियासत को अलग रखकर सोचना पड़ेगा। मईशत और सियासत दो अलहदा बातें हैं और जिस तरह चीन और जापान में सियासत मईशत पर असरअंदाज नहीं होती हुकूमतों के आने या जाने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, जापान में कई बार हुकूमत 6 माह में गिर जाती है, वही मॉडल हमको आजमाना पड़ेगा। इस तरह से एक तरफ अमरीका और मगरबी ममालिक हमसे खुश हो जाएंगे, दूसरी तरफ सियासी
लुटेरे मईशत की कश्ती में सुराख ना कर सकेंगे। अगर इस तहरीर के बाद अब भी कोई शक बाकी रह गया हो तो बजाते खुद गूगल सर्च बॉक्स में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 लिखकर सर्च करें, और एक तरफ इन तमाम इस्लामी ममालिक जिनका जमहूरी स्कोर 4 से कम है उनके हालात को मुलाहिजा करें, दूसरी तरफ इराक और पाकिस्तान में पाई जाने वाली सिर्फ 0.11 के फर्क को महसूस करें। उसके बाद आप शायद समझ सकें कि जरूरी नहीं कि कराची में भारत की तरफ से मुसलत की गई परेशानी को जब हम पाकिस्तानी जेल रहे थे तो कोई ख्वाबे गफलत के मजे लूट रहा था, बल्कि कुछ और जरूरी काम मौजूद थे जिनका करना इस परेशानी को दूर करने से ज्यादा जरूरी था। बाकी अकलमंद को इशारा काफी है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद ही रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।